रविवार को संगठन विस्तार को लेकर ऑनलाइन ऑफलाइन सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए जेडीयू कार्यालय में सेल्फी विथ प्राउड ऑफ बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता पार्टी कार्यालय में उपस्थित रहे। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान को राज्य भर में व्यापक रूप से चलाया जाएगा। महासचिव माननीय आसिफ की सिंह आप देख रहे हैं, पार्टी के प्रदेश में सारे लोग समीक्षा कर रहे हैं। पार्टी ने सदस्यता अभियान का जो नया प्रक्रिया प्रारंभ किया उसके फलाफल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह जनता दल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो समाज के विभिन्न तबके के कार्यकर्ता हमारे यहाँ, ऐसा कोई सामाजिक समूह नहीं है जिसके कार्यकर्ता की स्वीकारता हमारी पार्टी में नहीं। ये पार्टी की खूबसूरती इसीलिए मैं कहता हूँ कि जनता दल यू पॉलिटिक्स में डिसिप्लिन्स के लिए जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। इस देश की राजनीति में भीड़ भरी राजनीति में जब राजनीति में संपूर्ण काल और समय माननीय नीतीश कुमार जी की ऐसी शख्सियत है राजनीति में जो पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी कैसे राजनेता है और हमारी पार्टी के नेता है जो केवल राज्य के अंदर में सत्ता संभालने के लिए जाने जाते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की चिंता करते हैं, तो प्रशासकीय कार्य के साथ साथ सामाजिक सुधार का कार्यक्रम करने वाला कोई नेता है तो इस देश के अंदर में माननीय नीतीश कुमार जी एक बिरला उदाहरण है। आप देखेंगे कि जो राज्य के विकास की पटकथा की कहानी वो अलग है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण पक्ष और अधिक हो जाता है कि जब शराबबंदी और जल जीवन और हरियाली जो पर्यावरण का संकट है जो आने वाला संकट है उस पर भी कोई राजनेता अपनी पहल करे और उस पार्टी के कार्यकर्ता पहल करे, ये देश की राजनीति तो बिरला उदाहरण है, ऐसा उदाहरण देश के अंदर नहीं मिल सकता। इसलिए आज युवा जदयू के साथियों के पहल पर चूंकि उन लोगों की दिली ख्वाहिश है, ये नई पीढ़ी के लोग हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की जब आप समीक्षा करेंगे तो जो नए वोटरों का आकर्षण जनता दल के प्रति बढ़ा तो उन लोगों ने दिली इच्छा व्यक्त की कि हम ऑनलाइन सदस्यता तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हमारी यह ख्वाहिश है कि नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता है उनके साथ मेरा सेल्फी का फोटो भी होना चाहिए। तो पार्टी ने यह कार्यक्रम तय किया, युवा जदयू ने किया, यही इस बात को साबित करता है कि जो नई पीढ़ी है जो समाज के विभिन्न तबके के लोग हैं नई पीढ़ी के आकर्षण के केंद्र है तो माननीय नीतीश कुमार जी है। ये ऑनलाइन सदस्यता के बाद जो उन्होंने ऐड करवाया कि सेल्फी भी इसमें होना चाहिए का प्रावधान, तो हम समझते हैं कि नई पीढ़ी के आकर्षण के केंद्र माननीय नीतीश कुमार जी है। इसका मतलब साफ है कि पॉलिटिक्स विद डिफरेंस पर बिहार की नई पीढ़ी के नौजवान मुहर लगा करके इस बिहार की तस्वीर को तो बदलने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। उनका संकल्प है नौजवानों का कि तकदीर बदलने की जो नीतीश कुमार जी लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में वो उनके साथ खड़े हैं।